मित्र नमस्कार, मैं संजय पत्की स्वर स्वामी एक और स्वर स्वामी दो ऑफिशियल इन दोनों चैनलों के माध्यम से आपके सामने फिर एक बार हाजिर हो रहा हूँ। आज तक जितने भी वीडियो हमने दिए हैं उस वीडियो में आपको औरों से हटके जनरल जो सिखा रहे हैं उसमें से जो चल रहा है उससे हटके मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने बोला है, कई वीडियो में बोला है मैंने, सब लोग बड़ा अच्छा सिखा रहे हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपने दिमाग से सिखा रहे, जो ट्रेडिशनल चलते आ रहा है वो भी सिखा रहे, जो उन्होंने उनके गुरु से सिखाया है वो भी सिखा रहे। मैंने जो रिसर्च के तौर पे जो हासिल किया उस्ताद का गाना करके साथ में सीख के जो हासिल किया, उससे सामने वाला स्टूडेंट कैसे तैयार हो सकता है इस हिसाब से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। और मेरी कोशिश बहुत से कामयाबी भी मुझे देती है। आप जब लोग रियाज करते हो तो आपके मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, बने तक सभी कमेंट्स को मैं रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। उसमें से 90% बड़े अच्छे रहते हैं, अच्छा भी लगता है। कुछ बुरे रहते हैं वो तो समझ में सभी जगह रहते हैं, उनको इग्नोर करता हूँ, उससे सीख लेता हूँ कि ऐसे भी लोग इर्द गिर्द होना ज़रूरी है। मराठी में कहावत है, निंदका से घर असावे शेजारी, उस हिसाब से मैं उनको भी एक्सेप्ट करता हूँ। कोशिश यही रहती है हर वक्त कि आपको जो भी चीज़ मैं सिखा रहा हूँ या जो संगीत के बारे में जो भी कुछ चीज़ है वो आपको बड़ी आसानी से समझ में आए, और समझ में आने के बाद में वो आपके अंदर में उतरे। हरदम मैं बोलता हूँ, इसमें कई बार कॉन्ट्रोवर्सी हो गई है कि कई बोलते गाना गले में है, मैं बोलता हूँ गाना दिमाग में है। गाना गले में से आता है, गले पे नहीं, गले से आता है, उतारना पड़ता है। गला एक ये माइक का काम करता है, और हर वक्त जो भी चीज़ दिमाग में आएगी वो एक्सप्रेस करने का माध्यम जो है उसका वॉल्यूम के साथ में एक्सप्रेस करने के लिए गला होता है। आप लोग डायरेक्ट राग ख्याल ये जो चीज़ सीखते हो उससे एक फ़ायदा तो है, आपका नॉलेज में बढ़ोतरी होती है, पर मतलब राग किस चीज़, मतलब किस तरह से उसको हम लोग पेश कर सकते हैं, ये चीज़ सीखने के लिए उसके बेसिक नीड्स क्या है, बेसिक चीज़ें क्या है, उसको कैसे हासिल करना, इसी पे मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहता है। ऐसा नहीं कि ये ऐसा है वैसा है वैसा ही है, मैं गा रहा हूँ और मेरे तान है ये चम रही घूम रही। आप लोग सुनने का आनंद तो ले सकते हैं पर सीखने का आनंद नहीं ले सकते उसमें। अच्छा, बंदिशों के लिए तो कई सारी किताब मेरे पास में पड़ी है, आपके पास में भी पड़ी होगी, मार्केट में मिलेगी, यूट्यूब पर आती है, भोपाली कैसे सीखे, ये कैसे सीखे, जानकारी। भोपाली को 2 घंटा 4 घंटा उसके साथ में अपना अंतर्मन का जो एक ये रहता है रिलेशन, उसमें जिए कैसे, भोपाली कैसे सीखे ये सब सिखाएंगे। मैं भोपाली कैसे जिए, यमन कैसे जिए, कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है मेरा, मेरी सोच भी थोड़ी सी अलग है। मैं बार बार बोलता हूँ कि मुझे इससे क्या प्राप्ति होती है भौतिकता के दृष्टि में ये महत्वपूर्ण नहीं है। अभौतिक जो मुझे सुख मिलता है कि आप जो सीख पा रहे हो, तो कई जगह जाने के बाद में भी जो सीख नहीं सकते वो चीज़ आपको अगर मिल रही है तो मुझे देने में आनंद है। मुझे क्या और कहाँ तक रिस्पेक्ट या फिर वो जो चीज़ मुझे मिलती है, मुझे मिल रहा है, बस बहुत मिल रहा है। इतनी हमारी हैसियत भी नहीं है कि आप लोग जितना मुझे चाहते हो उससे ज़्यादा ही मुझे चाह रहे हो, जितनी मेरी है उससे ज़्यादा ही चाह रहे हो, तो क्यों ना मैं आपके सामने पूरा भंडार खोल के रखूँ, ये मुझे बार 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 आदेश होते रहता है और मैं कोशिश यही करता हूँ। आप लोग, मैं जो चीज़ सिखाता हूँ वो एक चीज़ पहले, कई लोग तो बहुत बार बोलते कि ये बकबक करता ऐसा करता, मैंने बार बार बोला है उससे तकलीफ नहीं होती, बुरा लगता है कि उनकी सोच जो है वो गलत दिशा में जा रही है। चीज करने से पहले चीज समझना जरूरी है,
ठीक है आज। अब ये सब करने के लिए विषय जो आज मैं रख रहा हूं ये थोड़ा हटके नहीं है, कॉमन ही विषय है, लेकिन थोड़ा अलग विचार से रखा है कि आप लोग बार बार मैं बोलता हूं कि रागदारी रागदारी रागदारी, राग मतलब क्या, उसका कंसेप्ट क्या है, कहां से आया है, उसके पहले क्या था, ये सब डिटेलिंग जो थ्योरी का है ये आपको जो आप पैटर्न पढ़ रहे हो उसमें ये सब्जेक्ट होता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो रागों को पेश करने की जो एक क्षमता आती है आपके अंदर, वो बेसिक जो सात सुर है उनको पक्का करें, पैटर्न तो 50 बनेंगे, पैटर्न लाखों बनेंगे। लाखों पैटर्न दिमाग में आने के बाद में जैसे बाकी लोग बोलते हैं बात करने वक्त उसका उतार चढ़ाव नहीं होता है, बोलने में भी उतार चढ़ाव होता है, वो जो आदमी उसको ध्यान में रख के बोलता है, कॉमा देता है, फुल स्टॉप देता है, उसको उस तरीके से उसका अर्थ सामने वाले को जल्दी समझ में आता है। अगर कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं दिया है तो वैसे चल रहा है कि अगर बात करते करते निकल जा रहा है वैसे कोई बात वो ब्रेक नहीं कर रहा तो आपको समझने में बड़ी दिक्कत होगी। तो कोशिश यही रहती है कि आपको वो चीज़ समझने के लिए आसानी हो, समझ में आए। और इस तरीके से आज तक मैंने ऊपर की आवाज़ कैसे लगाए, मध देखो सब लोग क्या करना ये सिखाते हैं, मैं सिखाता हूँ क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा अगर करना भी है तो कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए आपको पता है, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और दूसरी बात ज़्यादा से ज़्यादा मेरा भर ये रहता है उसके अंदर कि क्या नहीं करना चाहिए। आप जो कर रहे हैं ना नीचे जाके बैठ रहे हैं एक एक घंटा प्रातःकाल में उठ के, मैं वो चीज़ को नकारता हूँ, वो चीज़ कहता हूँ नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए, देखो एक बात सुनो, किस चीज़ से हम लोग क्या करते हैं, सबको पैसे से तोलते हैं, पैसा और प्रतिभा ये दोनों अलग चीज है। हम प्रतिभा को इतने ऊपर के लेवल पे ले जाना चाहिए, हमने प्रतिभा को इतने ऊपर के लेवल पे ले जाना चाहिए कि नेचुरली उससे हमको खुशी मिले, एक फेम मिले, ऐसी इच्छा होती है। पैसा आपके पास में जितना आता है उतना आता है, वो तकदीर से आता है, मेहनत से सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने वो चीज़ किया है, अपेक्षाएं रहती हैं पर वो तकदीर जितना देती है उतना ही हमारे मतलब नसीब जो देता है उतना ही रहता है।